नमस्कार हमारे सारे चाहने वाले यूनिटेक कम बैक हिस्ट्री, इस पर गिरावट में काफी लोग घबराए, काफी यूट्यूबर घबराने की आपको कोशिश करेंगे, इसलिए प्रॉफिट में बुकिंग करते रहें और जिनके पास नए निवेश करने की ताकत है वो निवेश भी करते रहें। यानी गिरावट लेने का मौका है और बढ़त बेचने का भी मौका है शॉर्ट टर्म वाले के लिए, और इन सब चीजों के झमेले में जो लोग नहीं पड़ना चाहते हैं वो एक साल के लिए इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। अब आ जाइए छोटे निवेशक की सेपरेट होने की बात। हमेशा छोटे निवेशक जो भी हैं वो दो डीमैट अकाउंट खोले। एक डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स रखें वो कम से कम एक साल ना बेचें। दूसरे डीमैट अकाउंट में अगर आपको उतावलापन आता है, प्रॉफिट बुकिंग करने की मंशा आती है, तो उसमें खरीद बिक्री करें। ऐसा करने से आपके साथ में वो शेयर आपके रुके रहेंगे लॉन्ग टर्म में, और आपको देखने और सीखने दोनों का मौका मिलेगा। ये हमारी सलाह है, मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आमदनी जो है आपकी वो बढ़ाने की कोशिश करें, मल्टीपल व्यापार करने की। अपना समय जो है 30 मिनट मल्टीपल व्यापार कैसे आप कर सकते हैं उसको आप सीखने के प्रयास करें, क्योंकि प्रयास और अभ्यास करने से सफलता निश्चित रूप से मिलती है। क्योंकि आपके हमारे माथे में ये धूल जमी है कि कोई भी व्यक्ति कई काम एक साथ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत धूल है। इसको मिटाने की कोशिश करें, और ये जब मिटा लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं, कर्ज को घटाएं, खर्च को घटाएं, तभी जा करके आप इस बिजनेस का जो मूल मंत्र है उसके सिद्धांत में आप फिट बैठेंगे। क्योंकि शेयर बाजार में शेयर से पैसे कमाना जितना जरूरी है, उतना जरूरी है कि बाजार में बने रहना, और बाजार में बने रहने के लिए आपको सारे टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जिस तरह से पानी में तैरता हुआ जहाज, उसको ये खबर नहीं होती है कि वो डूब जाएगा, लेकिन जब भी पानी में लहरें आती है वो लोहे के बड़े बड़े लंगर होते हैं उसको वो गिरा देते हैं, जो जा करके हवाई जहाज को स्थिर करने का काम करते हैं। इसके लिए आप भी ये ना समझे कि पानी में आपकी नौका चल रही है तो वो हिलेगी नहीं, डूलेगी नहीं। इस बात का ध्यान रखें, आप भी अपने लंगर गिरा के ही रखें ताकि बाजार में आप लंबे समय तक बने रहें। हमारी ये सलाह है। और फिर मैं आपको चार पांच शेयरों का नाम सुनाता हूँ। एक का नाम है डांडेकर प्रॉपर्टी लिमिटेड, 146 का भाव है, कोड नंबर लिख दीजिए स्पेलिंग में दिक्कत आवे तो, 505250, फिर से लिखिए 505250। ये प्रॉपर्टी का शेयर है, राजस्थान में न्यू डेवलपमेंट का काम चालू हुआ है, कई नए प्रोजेक्ट इसके अनाउंस होने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखें, इस समय राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, हॉट मार्केट होने की तैयारी चल रही है। अगर लंबे समय रख सकते हैं तो रखें, नहीं तो शॉर्ट टर्म में भी आपको प्रॉफिट रहेगा। मैं ऐसा चाहूंगा कि आप पोर्टफोलियो में 2-5 शेयर अवश्य रखें। दूसरा शेयर है धानुका रियलिटी, ये मैंने बोला था पिछली बार, लेकिन मैं और भी इसमें अध्ययन करके मैं ये पाया कि ये शेयर अभी भी अच्छा दिखा सकते हैं, इसलिए 15-16 रुपये के भाव में बाई करें। छोटी सी कंपनी है, अच्छा रिटर्न देगी। चौथा एक फर्टिलाइजर की कंपनी है, जिस प्रकार सरकार और चाइना में एस्टोमेल पैकेज आया है तो चाइना से ही इसके मतलब कच्चा मटेरियल आता है, तो मैं ऐसा चाहूंगा कि नागार्जुन फर्टिलाइजर केमिकल्स लिमिटेड की एक कंपनी है जो 14.40 रुपये पे काम कर रही है, अपने पोर्टफोलियो में आप इस पर वाचिंग करें और इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह अगर दे सकते हैं तो दे, भविष्य में रिटर्न दे सकती है। और तीसरा शेयर है एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये एनर्जी डेवलपमेंट का काम करती है। कंपनी काफ़ी पहले नीचे थी, काफ़ी प्रॉब्लम में थी, मेरे को लगता है ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे की तरफ बढ़ रही है। 27 रुपये के भाव में एक्युमुलेट करें, 20 रुपये तक जावे तो खरीदारी रखें, 20 रुपये के नीचे खरीदना नहीं है, और होल्ड करें 50 रुपये के टारगेट के लिए। और बढ़िया कंपनी हैप्पीनेस्ट माइंड, इसमें शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करने की जिसकी रुचि है, इसमें वो बाई करके कुछ न कुछ प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग जब तक ये 1000 रुपया नहीं आता है तब तक ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त स्टॉक है, और बड़ा स्टॉक है और अच्छा स्टॉक है, इसको आप खरीद सकते हैं, पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। ये है मेरी राय, और मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि आप अपना समय सीखने में आधा घंटा एक घंटा फाइनेंशियल लिटरेट होने में दें, ताकि किसी के
भरोसे आप न रहे। कोई बताए तो हम इस शेयर को रखेंगे, कोई बताए तो हम इस शेयर को बेचेंगे, कोई बोलेगा तो वो शेयर खरीदेंगे। और ये जो समस्या आपके दिमाग में है, इससे आप निकल जाइए। एक नोटबुक तैयार कीजिए, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। कैसे आप जानते हैं कि शेर जो है कैसे आवाज करता है? क्या शेर को आपने छू के देखा है? उसी तरह से आप जान जाएंगे कि शेर कैसे बिहेव करता है, उसको छू कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप ध्यान दें और सीखें और दूसरे के भरोसे ना रहे। नमस्कार।